हर वर्ष होली का उत्सव होलिका दहन के बाद मनाया जाता है। यूं तो होलिका को बुराई का प्रतीक मानते हैं और होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा की जाती है। होलिका अगर वास्तव में बुराई की प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। हिमाचल के लोक कथाओं में होलिका की वह कहानी मिलती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, होली बुराई की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की देवी थी जिसने प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आइए जानें होलिका की वह अनसुनी कहानी। लोग ये तो जानते हैं कि होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसे वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी, और हिरण्यकश्यप के आदेश से वे भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गईं और भस्म हो गई। लेकिन होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे जो कथा है उसे कम लोग ही जानते हैं। कथा के अनुसार होलिका इलौजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों का विवाह फाल्गुन पूर्णिमा को संपन्न करने को निश्चित किया गया। इलौजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से एक दिन पूर्व प्रहलाद की भक्ति से परेशान हो हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। वरदान के कारण उसे कुछ नहीं होगा और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। बुआ होने के नाते होलिका प्रहलाद से स्नेह रखती थी, अतः वो इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई। तब हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह भयभीत करते हुए धमकाया कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो वो उसके प्रेम को मौत के घाट उतार देगा। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने दुखी मन से आदेश का पालन किया और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका ये जानती थी कि जिस प्रहलाद को मारने के असंख्य प्रयास करके भी हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया, उसे उसकी भक्ति की शक्ति इस अग्नि से भी बचा लेगी और भक्त को कष्ट देने के फल स्वरूप उसका बचना भी संभव न होगा। परंतु फिर भी अपने प्रेम को जीवन देने के लिए उसने ये कदम उठाया। जिसके रक्षक स्वयं ईश्वर हो, उसे किस बात का डर? भक्ति में लीन भक्त प्रहलाद को अग्नि छू भी न सकी और वरदान के बाद भी होलिका का अंत हो गया। इलौजी इन सब बातों से अनजान था। जब वो होलिका से विवाह करने हेतु बारात लेकर आया तो सामने उसने होलिका को नहीं अपितु उसकी जलती हुई राख को पाया। अपने प्रेम की ये दशा देखकर वो शोक में इतना व्याकुल हो उठा कि वो आत्मदाह हेतु उसी जलती हुई राख में कूद गया, परंतु तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। इलौजी के दुख का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं। वो अत्यंत दुखी मन से हताश होकर वन वन भटकने लगा और उनके इस प्रेम का दुखद अंत हुआ। बुराई का साथ देना भी बुरा होता है, इसी कारण लोग होलिका दहन को बुराई के अंत के रूप में देखते हैं। परंतु वास्तव में होलिका की मनसा बुरी नहीं थी, जिस कारण आज भी लोग होलिका की पूजा करते हैं। अगर वो केवल बुराई की ही प्रतीक होती तो आज उसकी पूजा नहीं होती, जैसे रावण दहन के समय रावण की पूजा नहीं होती।